मुखबिर की सूचना पर महिदपुर रोड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें जुआ खेलती हुई प्रतिष्ठित परिवारों के साथ लोगों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसमें कांग्रेस के पार्षद पति व युवा पत्रकार का नाम भी सामने आया है। महिदपुर रोड पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 लोगों में से 6 व्यक्ति थाना महिदपुर के रहवासी है और एक व्यक्ति डेलची खुर्द का है। पुलिस ने 7 व्यक्तियों के पास से 61,106 मोबाइल, एक बाइक जब्त की है। पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मर्ग कायम किया और जांच जारी है। मुखबिर की सूचना पर जो पुलिस ने कार्रवाई के लिए एसटीओपी आर के राय से सर्च वारंट बनवाया। सर्च वारंट के आधार पर डेलची खुर्द युवक के घर पर दबिश दी, जहां पर महिदपुर थाना क्षेत्र के 6 युवक ताश पत्ती से जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 युवकों के पास से नकदी पैसे, मोबाइल व एक मोटरसाइकिल जब्त की है, जिसमें से 3 लोगों को पकड़ा है और कांग्रेस पार्षद पति के साथ 4 लोग भाग खड़े हुए। तीनों लोगों से पूछताछ पर पता लगा कि 4 लोग कौन थे। कांग्रेस पार्षद पति के साथ भागे हुए 4 लोगों ने भी समर्पण कर दिया। सभी पर मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई। हमको सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डेलची खुर्द में एक कालू है, उसके मकान में कुछ लोग वहाँ बाहर से आके जुआ खेल रहे हैं। उस सूचना पर हमारी टीम थाने से गई थी, तो वहाँ से एक कालू बंजारा करके उसके मकान से वहाँ दबिश देकर जुआ खेलते हुए उसमें कुल 7 लोग मिले थे, जिसमें से 61,100 रुपये जुए की रकम, एक मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल वहाँ से बरामद किए गए, और उसमें कुल 7 आरोपियों के विरुद्ध धारा 3/4 जुआ अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, उसकी विवेचना चल रही है। अच्छा, वो बाकी भी जो 6 लोग जो पकड़ाए गए हैं और जो एक तो गांव का था, वो जो 6 लोग पकड़ाए वो कौन से क्षेत्र के थे? एक तो डेलची जिसका मकान था वो डेलची खुर्द का ही है, और उसमें उसके अलावा जो 6 लोग हैं वो महिदपुर सिटी के रहने वाले हैं।